अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरी मेहंदी और मेरे लुक के साथ, और 31st का ये ब्लॉग है। और अब जब मैं अपलोड कर रही हूँ तो न्यू ईयर की 4 तारीख हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज ग्लोबल विलेज, और टिकट्स हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर लिए थे क्योंकि ऑनलाइन में आपको 20 दरहम का नहीं बल्कि 15 दरहम का पड़ता है टिकट। और वैसे तो इस ईयर से ही 20 दरहम का हुआ है, वैसे पहले 15 दरहम का था। तो यहाँ पे हम लोग इंटर हो गए थे, और बहुत मैंने डिटेल ब्लॉग नहीं बनाया, जस्ट वो मैं आज आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी ग्लोबल विलेज की जो पेविलियंस मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटर हुए हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते चलते सीधे ही जो हम लोग के फेवरेट पेविलियंस हैं वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा जो पर्सनल जो मेरा फेवरेट है ना, वो है टर्की, अफ्रीका और ईरान और यमन। ये पेविलियंस आपको ज़रूर जाने चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूरत का मिल ही जाएगा और बड़े ही मज़ेदार होते हैं। जैसे अभी हम लोग टर्की में आए हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ, आप लोग भी इंजॉय करिए। कबाब खाने जा रहे हैं अभी हम लोग। यमन है, यमन के स्पाइसेस काफ़ी फेमस होते हैं, बहुत प्योर, बहुत आला, बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ से अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं कुछ खाने। आज हम खाएंगे बोस्नियन कबाब, और इसके काफ़ी रिव्यूज़ सब लोग ने डाले हुए थे तो हमने भी इसको ले लिया। ये 39 दरहम्स का था, 7 कबाब और 1 ब्रेड, 1 लबन इन्होंने दिया था, और मस्ट ट्राई है, मतलब काफ़ी बेहतर टेस्ट था क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल विलेज में खाने के बहुत ऑप्शन हैं, तो सिलेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप कुछ खाना चाहते हैं न्यू, तो आप फिर बेक पोटैटो को, टर्किश बेक पोटैटो ट्राई कर सकते हैं, फिर बोस्नियन कबाब ट्राई कर सकते हैं, लुकेमात ट्राई कर सकते हैं, उसके अलावा व्हील चीज़ पास्ता ट्राई कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जाते हैं ग्लोबल विलेज तो सबसे पहले सर्च कर सकते हैं, क्योंकि खाने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, भूख लगती है, बहुत बड़ा है ग्लोबल विलेज, और फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती, समझ में नहीं आता क्या खाएं। तो ये जो शॉप थी बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, यहाँ पे बड़े ही अच्छे अच्छे डेकोरेशन वाले जो पीस होते हैं और पेंटिंग वगैरह थी। और ग्लोबल विलेज की सबसे बड़ी जो बात है ना अच्छी, कि आपको चलते चलते आप थक भी जाते हैं पर आप जो है रुकना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इतना रौनक होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आएँ, कंफर्टेबल कपड़े पहन के। और लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो शहरयार छोटा था, स्ट्रॉलर पे बैठा हुआ एंजॉय कर रहा था, इस बार तो उसने ऐसे तमाशे करे ना, ऐसा परेशान किया ना हम लोगों को, गोदी में और सिर्फ गोदी में, तो चल चल के गोदी में, हस्बैंड की गोदी में था वो, और बहुत परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे जो ग्लोबल विलेज है वो, उसमें क्या होता है न्यू ईयर में यानी 31 दिसंबर को, हर कंट्री के हिसाब से, जब हर कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया का जैसे 12 बजे का यहाँ पे 10:30 होता है तो यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे थे, फिर पाकिस्तान में 12 बजता है तब भी यहाँ पर फायरवर्क्स होते हैं, तो इस तरीके से हर कंट्री के फायरवर्क्स यहाँ पर होते हैं, और बड़ा ही अच्छा सा सीन था। यहाँ पे हम लोग आ गए थे कार्निवल की तरफ, और काफ़ी झूले वूले होते हैं, मेरा तो इतना मन हो रहा था बैठने का, पर बस वही है कि कोई साथी नहीं था बैठने के लिए क्योंकि शहरयार ने काफ़ी परेशान करके रखा था। तो जो हम लोग ने शहरयार को फिर 1-2 झूले झुलाए, और फिर हम लोग को ऐसा सीन हो गया था, इतना शहरयार ने परेशान किया था कि हम लोग 12 बजे से पहले ही ग्लोबल विलेज से निकल आए थे और दुबई के जो फायरवर्क्स थे वो देखे ही नहीं थे। तो जो ग्लोबल विलेज है वो ऑल इन वन है, यहाँ पे जॉम्बी वाला जो पार्क है वो है, उसके बाद शूटिंग एरिया है, उसके बाद फिर हॉन्टेड हाउस है, उसके बाद बहुत गेम्स हैं जिसको आप खेलिए और टॉयज़ वगैरह जीतिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों की काफ़ी हैं, शहरयार छोटा है तो वो तो अभी तो कोई एक्टिविटी कर नहीं सकता, तो वो काफ़ी परेशान कर रहा था, शायद शोर था इसलिए। अभी यहाँ पे फायरवर्क्स फिर से होने लगे थे, आई थिंक इंडिया का 12 बज गया था, यहाँ पे 10:30 हो गया था, इंडिया में 12 बज गया था, तो यहाँ फायरवर्क्स फिर से हो रहे थे,
और यहाँ पे कार्ड आपको बनवाना पड़ता है यहीं पे मेले में ही 6 धर्म का, उसके बाद फिर आप उसे रिचार्ज करके गेम्स खेल सकते हैं। तो ये पूरा सीन था। और हाँ, यहाँ पे ना ग्लोबल विलेज में शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं जो जैसे कहते हैं फेमस चीज़ें। जैसे अफ्रीका में जो लकड़ी का सामान होता है वो बड़ा फेमस होता है। लास्ट टाइम मैंने स्पून्स लिए थे जो अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं, और एक ही दो ख़राब हुए, पूरा सेट लिया था, और इस बार भी मैंने 2 स्पून्स वहाँ से लिए हैं। तो बस बार्गनिंग करनी पड़ती है, और बार्गनिंग का जो ट्रिक है ना वो ये है कि वो आपको बताएंगे कि इसका प्राइस, तो फॉर एग्जांपल इसका प्राइस तो 25 धर्म्स है, पर मैं आपको 20 धर्म दूंगा। तो उसमें आप कहिए कि मैं आपको 15 धर्म दूंगी इस चीज़ के, तो फिर वो मान जाते हैं। और ये चीज़ आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कहनी है, एकदम कॉन्फिडेंस आपके फेस पे होना चाहिए, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई नया नहीं है और इसको प्राइस का अंदाज़ा है। खैर, यहाँ पे हम लोग घर आ चुके थे, और घर जब हम लोग आए हैं तो 12 बजा है थोड़ी देर के बाद, और ये जो है पब्लिक इस तरीके से चिल्ला रही थी, हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी। तो न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, और आज है न्यू ईयर की 2 तारीख। कैन यू बिलीव गाइस, इतने जल्दी टाइम बीतता है कि पता ही नहीं चलता है कि आज 2 तारीख हो गए। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, और ये जो है न्यू जो मेरा ब्लैक पेपर, ये मुझे आपको दिखाना था, ये बड़ा ही अच्छी चीज़ है, और ये आपको गिफ्ट मार्केट से मिल जाएगी। और यहाँ पे था छुट्टी का 3रा दिन, हम लोग को बहुत शदीद क्रेविंग हो रही थी लखनवी खाना खाने की, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे वाया लखनऊ। बहुत दिनों से प्लान बन रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो खैर हम लोगों ने खाना ले लिया, तो वहाँ नहीं खा पाए थे क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है शहरयार के साथ कहीं डाइन इन करना, तो हम लोग ने फिर टेक अवे कर लिया था। और ये पूरा खाना था जिसमें शिरमाल थी, कबाब थे, बिरयानी थी, निहारी थी, शाही टुकड़ा था, नहारी कुलचे थे। तो ये माशाल्लाह पूरा खाना था, और पूरा खाना एक एक चीज़ लखनवी टेस्ट था, लखनऊ जैसा खाना था। स्पेशली शिरमाल काफ़ी अच्छी थी, और शाही टुकड़े भी वो काफ़ी अच्छे थे, और निहारी भी अच्छी थी, मुझे इतनी पसंद नहीं पर अच्छी थी, और कबाब भी काफ़ी अच्छे थे। तो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अगर मेरी तरह कोई और भी है जो लखनऊ का खाना मिस करता है, महीने में एक बार मुझे बहुत शदीद याद आती है इन सारी खानों की, तो आप लोग खा सकते हैं। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये समोसा था, छोटा समोसा, और ये मैंने बचपन में बहुत खाया है, ये चौक एरिया में मिलता है, बहुत ही मज़े का होता था छोटे समोसे, तो ये उस वैसे ही बिल्कुल टेस्ट था, बहुत अच्छा था। और आजकल ना यहाँ पे मौसम दुबई में इतना अच्छा हो रहा है कि मेरा मन नहीं होता है कि मैं कोई व्लॉग बनाऊँ, कोई व्लॉग को एडिट करूँ या डालूँ। पता नहीं आजकल इतनी लेजनेस क्यों लगती है, आप देख ही रहे हैं कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे 3-4 दिनों से, बल्कि 1 हफ्ते से मौसम इतना प्यारा हो रहा है, और कभी भी बारिश होने लगती है, धूप चली जाती है, और छाव सी हो जाती है, बहुत ही स्लीपी सा और खाते पीते वाला जो दिन होता है ना वैसा जा रहा है, और फिर सोते सोते चला जाता है, सोते नहीं तो फिर लेजनेस में चला जाता है। तो बस इसलिए मेरे व्लॉग जो हैं वो थोड़े से लेट हो जाते हैं। और मैंने जो है 31 दिसंबर में 2 व्लॉग्स बनाए थे, एक ये ग्लोबल विलेज वाला और एक 31 दिसंबर के रूटीन वाला, वो मैं आपको इस व्लॉग के बाद शेयर करूँगी। और तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।